सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हमारा डे टू है यहाँ पे दिल्ली में। एंड द थिंग इज कि मैं आज ये प्लान कर रहा हूँ कि आज मैं जाके मिल लूँ थग और पोची से। ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन वो लोग जिस होटल में रुके हुए हैं जहाँ पे लैन के सारे प्लेयर्स लोग रुके हुए हैं, वहाँ पे जाऊँ, उन लोगों से मिल लूँ। एंड शायद रात का हमारा कुछ प्लान है कि हम लोग कहीं जाएंगे खाने पीने के लिए। सो अभी मैंने अपना सामान पैक कर लिया है एंड मैं जा रहा हूँ वहाँ पे उन लोगों से मिलने के लिए। एंड बहुत मज़ा करने का मेरा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है एंड खाना मीन्स मज़ा। तो एंड दोस्तों के साथ तो ऑब्वियसली मज़ा होता ही है। सो लेट्स रोल एंड निकलता हूँ मैं। ऑलरेडी मैं तैयार हो चुका हूँ। आई एम वेयरिंग दिस, मेरा एलवी का शू एंड नॉर्मल पहना हुआ कैजुअल्स। सो लेट्स गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मोस्टली हम सब लड़के और जितनी भी लड़कियाँ उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है आजकल के लिए, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू स्टाइल दीज डेज। तो क्योंकि हम लोगों की सबकी पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक होती है, सो वी ऑल वॉन्ट कि हम लोग उसी तरीके से अपना ड्रेसअप करें, अपना पूरा लुक रखें, अपना बिल्कुल यूनिक, सबकी तरह सेम नहीं होना चाहिए। सो इस बार मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बी ब्लेंड का हॉट शॉट हेयर प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट, जो कि सारे हेयर टाइप्स के लिए है। सो रिसेंट टाइम्स में हमारी जनरेशन जितना ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग के ऊपर फोकस करती है, तो व्हाट वी टेंड टू यूज़, हम लोग हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं। एंड यू शुड ऑल नो कि उतना ज़्यादा हीट हमारे बाल की क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। सो व्हाट बी ब्लेंड का हमारा ये हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट डज कि वो 230 डिग्री सेल्सियस तक का एक हीट शील्ड हमारे हेयर को प्रोवाइड करता है। सो इट कम्स विद अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेप सीड ऑयल विच एक्ट एज अ हीट प्रोटेक्टेंट, एंड साथ ही साथ प्रो विटामिन B5 भी इसमें होता है जो कि हमारे हेयर की शाइन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये फ्रिज को भी फाइट करता है एंड इट डिटेंगल्स द हेयर ऑल्सो। लेकिन इसका मैजिक यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर हेयर अगेंस्ट पॉल्यूशन, सन डैमेज, हार्ड वाटर, एंड बहुत ही इजी टू यूज ट्रैवल फ्रेंडली स्प्रे बॉटल के साथ ये आता है। ऑल्सो इसके अंदर जो ग्रेप सीड ऑयल है एंड प्रो विटामिन B5, दैट इज अ कंप्लीट हेयर सॉल्यूशन फॉर यू ऑल व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग योर हेयर एंड गेट अ वेरी पिन पॉइंट लुक, चाहे आप कहीं पार्टी में जाना चाहो या कभी अपने कॉलेज। सो जैसे कि आप लोग हमेशा पूछते हो कि माँ बाप के बाल हमेशा ऐसे कैसे सेट रहते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई अल्टीमेट सोल्यूशन फ्रॉम नाउ ऑन। सो येस, अगर आप ये खरीदना चाहते हो अपने लिए भी तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, जाके वहाँ पे क्लिक करना बी ब्लेंड के साइट से, वहाँ पे जाके मामबा 20 कोड यूज़ करना, एक्सक्लूसिव 20% ऑफ मिलेगा। ऑल्सो इट इज़ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नाइका, लेकिन याद रहे कि आपको सिर्फ 20% एक्सक्लूसिव ऑफ मामबा 20 कोड से मिलेगा नीचे दी हुई वेबसाइट के लिंक से। वहाँ पे जाना एंड गेट दिस फॉर योरसेल्फ, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, सो गेट दिस थिंग फॉर योरसेल्फ, अमेजिंग। गाइस अभी हम लोग रवेल के घर पे जा रहे हैं, उसने मस्त सा डिनर प्लान किया है। हालांकि रवेल ने मुझे मैसेज करा कि मामा मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो मत बनाना, आप देख लो गाइस किसको एंड करना है। तो तुम लोग चाहते हो कि मैं व्लॉग डालूँ, लेकिन जो है क्यों भाई क्यों, लेकिन भाई अब ऐसे करेंगे भाई तो कैसे काम चले भाई, देख लो अब तुम लोग देख लेना। ये वाले व्लॉग में रवेल ने मना कर दिया भाई, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ठीक है ना, पीछे से देख लो। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। और मामा कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं रविलिंदर के घर। हाँ। उसने बहुत मेहनत करी है, बिरयानी बनाई है, और ऐसा वो अपने ब्लॉग में बोलेगा, यकीन मत करना गाइस क्योंकि उसकी मम्मी ने ही बनाया होगा। हाँ सही आ रहा हूँ। पार्किंग इंडिकेटर ऑन किया है, वो देखिए वो खड़ा है। अरे कैसे दिखाऊं क्या, छत पे देखो, अरे अच्छा उधर वो दिखाओ ना, अरे हाय पहुंच गए। सुनिए भाई जी, भाई 20 लाख रुपए जीत के ये चप्पल खरीदने मिला है आपको। चलो 30% काट के भी 13 लाख बचते हैं क्या? मटन कबाब, बिरयानी, दाल मखनी, चिकन कबाब और दाल मखनी उधर वो खा रहे हैं, एंड साथ में माफिया भाई भी हमारे दाल मखनी और पनीर खा रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं। लेकिन थैंक्स टू रवेल, बाकी तैयारियां इनके ब्लॉग में आप देख लीजिएगा।
8 बिट रेबल आप चैनल डालेंगे तो पहले को साउथ इंडियन एक्टर आएंगे फिर तो तो आप चैनल खोज के देख लीजिएगा. वेरी आंटी वेरी डिलीशियस फूड. बोलो भाई तुम लोग. आंटी ने पूरी मेहनत करी खाना बनाया. उसमें क्या लिखा होगा टाइटल में? आई इनवाइटेड SATUL को, है ना? कहीं ये नहीं आएगा माय मदर इनवाइटेड एंड कुक्ड एंड मतलब ये सब. ये हमारे स्वराज चौहान उनके साथ एंड सिड द जोशी उनके साथ हम लोग आए हैं. सिड लोको जोशी एंड उनको हम लोग अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने. सिड भाई के सोर्सेज ने बताया है कि फलानी जगह पे चाय मिलती है. भस्ती का इंतजार कर रहे थे, ये अब आए. सोल सोल आदि आइए आइए. गरम गरम चाय बन रही है यहाँ. मामा की चीज अपने भाई. चाय के लिए तो मैं सात समुंदर पार कर जाऊंगा अगर मुझे कहीं चाय चाहिए होगी और नहीं मिल रही होगी. पता लगेगा फलानी जगह चला जाऊंगा. चाय तो मुझे चाहिए. आज पोती अपने बदमाशी के किस्से बता रहे हैं यहाँ पे. तक भाई ने जो स्टोरी बोला था उसमें इसने मस्ती किया था यही मार खाया और उसने मार खाया था. ये बोल रहा है कि ठग भाई ने मस्ती किया था और मार इसने खाया. एक कन्फर्म हो गया कि मार तो इसने खाया. कितना लौंडा मारा तुम्हें? तो वहाँ पे बहुत गर्मा गर्मी चल रही है. तो मतलब कंटेंट मैंने सोचा इस तरफ होगा लेकिन कंटेंट उस तरफ चल रहा है तो थोड़ा सा मिस आउट कर गए हम. यार क्या यार स्वराज देखने में मजा आता है. लोगों को स्ट्रीट फाइट देखने में मजा आता है तो इंडिया में इन जनरल होता है. हाँ खासतौर से यहाँ दिल्ली नोएडा गुड़गांव. मैंने कभी देखा नहीं था. कभी फट गई थी मेरी इसलिए मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो मिलते ही नहीं कुछ. देख रहे हैं पोची यूट्यूब पे स्ट्रीट फाइट सर्च करता हूँ. क्या कोई सब किए होंगे एक एक बार? ये टेकन खेलने की उम्र है मेरी. थक के रूम में हम गए थे लेकिन वो रूम में ऐसा खाना पीना फलाना ढिकाना इतना भरा पड़ा हुआ था कि वहाँ पे व्लॉग करने का कोई मतलब तो था नहीं. इसलिए अभी मतलब हमारे जो है ना वो एक SATUL में जो जिनसे मिलो तो सिर्फ पैसा ही उड़ता है जेब से तो हम उनके साथ जो है जा रहे हैं. वो हमें कहीं लेके जा रहे हैं. उसको CDC बोलते हैं. CDC क्रैम्प. वैसे मेरे को तो सही लग रहा है. तुम्हें और ड्रॉप चाहिए क्या इसमें? अच्छा वैसा चाहिए थोड़ा चिपकने वाला. ये देख कलर देख. हां कितने का है? 210 बताओ. 210 जेब तो बहुत क्रेजी है. और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. दोनों भी ले लो. हां मैं तो कह रहा हूं कैसे ले लूं भाई मेरे हिसाब से. अगर एक बैग दिला दोगे तो फिर मैं ले लूंगी. बैग क्या है? इनको एक बैग दे दी भाई. अरे और क्या सामान रखने के लिए बैग दे दी. बता और क्या भी बताओ का वो चाहिए मुझे ट्रॉली. चलो अच्छा इनको सुन रहे हैं आप. LV के ट्रॉली चाहिए. कितने कपड़े ले लिए होंगे? मैंने कुछ 10-15 ले लिए होंगे अब तक. शर्म क्यों शर्म होगी? मतलब बाहर वाले वही पहने. मतलब इट्स बेटर देन व्हाट मतलब आई यूज्ड टू बाय या अरमानी एंड ये वो. अरमानी की दो टी शर्ट के बराबर का मैंने. अच्छा अरमानी की दो टी शर्ट के बराबर का यहाँ पे शॉपिंग कर लिया. सब एक ही मतलब बंदे की वजह से. एक ही बंदे की गलती है बस यहाँ पे. क्या देखो अच्छा जगह है मैं इसके लिए लेके आया हूँ. हाँ तो मतलब आई रियली अप्रिशिएट यू शेयर्ड दिस जगह विद अस. मतलब तुम मुझे नहीं शोल्डर के हिसाब से कर सकती. नहीं नहीं मामा कुछ नहीं गिफ्ट कर सकती मैं. सॉरी नहीं कृतिका मुझे ये गिफ्ट कर सकती है गाइस. या ये अरे लेट हो रहा है. स्टार्ट स्टॉप दो. अब क्या है ये खरीद के दो. अभी इस पे आया है
क्या पैसे पैसा नहीं लिखा है भाई चपत कितने की पड़ी अच्छा है लेकिन मतलब ये क्यूट लगा अच्छा तुम दे सकते हो ये गिफ्ट दे सकते हैं हम ठीक है थक मर्सी को गिफ्ट चाहिए थोड़ा 50,000 भेजो ऐसा नहीं कर सकती तुम उसके लिए ठीक है ले लो यार इतना सा नहीं कर सकती मतलब जूता ये बताओ इनका शू साइज क्या है पहले यही बात तो अच्छा बताओ वो आपके पास होगा नहीं ये मैं पूछ सकता भले आपके पास कुछ भी हो ये नहीं होगा बताओ 2.5 और 3 फिट होता है 2.5 और 3 है बड़ा है अरे देख रही हो सारे छोटे छोटे जूते आ रहे हैं सारे छोटे छोटे जूते Life concept, I'll give you whenever you're going shoe shopping. Cool. If you pick up an expensive pair, yeah, right? Mm. Always, like if you have an option like, okay, this one's for 70, this one's for 30, and there's one for maybe 2-2.5 lakh rupees. And if you can afford it, go for the most expensive one. Why? Because aap agli baar aoge, to ye 3-3.5 na ho jaye. Haan, exactly. Ye lekin 40 hi hoga. Aise bhi hota hai. Haan, price go up. Kaisa lag raha tumko? 40 lakh. Guys, Mercy ne ye liya. Guys, out of all the shoe, yahan pe, मेरे को जो है यहाँ पे पसंद आया ये पसंद आया सो मैं ये ले रहा हूँ हाँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है और ये दिस इज़ फॉर अप्रॉक्सीमेटली कितना 2 lakh bucks है ये वो मीम क्या चल रहा है ख़त्म है हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस No, give me the camera. अच्छा अच्छा हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था इट वॉज वेरी गुड यहाँ पे लोगों ने खूब मदद करी कि कितनी जल्दी मेरे जेब से पैसा हो सकता था मैं ट्राई भी नहीं कर रहा था कि मुझे दूसरा ला के दे दिया जाए तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा सो एक्सपीरियंस वॉज वेरी फास्ट कि मतलब मेरी जेब को पता भी नहीं चला कब उड़ गया था एंड व्हाट अबाउट यू आई लव्ड इट यू लव्ड इट या गर्ल्स कलेक्शन इज नाइस व्हाट इज दिस इट्स अ फिजिक स्पिनर फॉर सम हाँ कलेक्शन में आई विल से कि 8.5 से मैं 9.5 करता हूँ क्योंकि मतलब इट्स लाइक इंग्लिश है कि इंग्लिश के एग्जाम में किसी को 100 नहीं मिलता तो वो ऐसा ही है एग्जैक्टली नो कलेक्शन कैन बी 10/10 नो कलेक्शन देखिए ऐसे सीडीसी वालों का है अंदर का मत दिखाई ऐसे नाइकी एसबी तो नाइस नाइस खतरनाक तरीके से लेकिन आपको पता है 1 lakh rupees में कितना सटीक जूता मिला इनको ये हाँ ये डब्बे का डब्बा है सो गाइस ये एक अपोलॉजी सेगमेंट है व्लॉग का कि मर्सिडीज फंड को थोड़ा सा और डिले हो गया है तो मैं क्या करूँ मैं टेम्प्ट हो जाता हूँ कपड़ों का भी शौक है मुझे और मैं रह नहीं पाता हूँ और मेरी शॉपिंग होती है ये भी दे दो वो भी दे दो ये भी दे दो वो भी दे दो तो लेकिन हो रहा है धीरे हो रहा है लोको वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में तो गेट लोको नाउ मुझे इस चीज़ के पैसे नहीं मिले लेकिन मैं बोल रहा हूँ वफ़ादारी है अपनी समझ लो ब्रांड की तरफ वफ़ादारी होना बहुत ज़रूरी है पेमेंट कर दिया है 2.5 lakhs का पेमेंट हुआ है टोटल सो यस अभी वी आर गोइंग बैक इतनी बेशरम है 1, 2, 3, 4 करके स्टार्ट स्टॉप करवाया लेकिन फिर भी मर्सी को नहीं दिलवाया तो मैंने ज़बरदस्ती लाया है कि भाई भाइयों के प्रति प्यार नहीं दिखाओगी तो कैसे काम चलेगा तो ये वाली है ये ऐसी सी है सोशल एंटी हाँ तो वही है मर्सी आंटी तो सोशल नहीं है छोड़ो 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 नहीं 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 लेना जरूरी है मर्सी को आ जाएगा ये उसको तो मतलब आ जाएगा ना हाँ बस थोड़ा ओवरसाइज होगा हाँ मर्सी छुप जाएगा उसमें तो मतलब अभी ये मर्सी को कृतिका गिफ्ट कर रही हैं कृतिका जब से एसीटीएल में आई है मैंने देखा लोगों को गिफ्ट बहुत कुछ कर रही हैं अभी फंसाता हूँ कि मैंने देखा कृतिका जब से आई है तब से जो है लोगों को गिफ्ट विफ्ट कर रही है हाँ मुझे एलवी का शू दिया तुम्हें ये दिया यार मुझे समझ में नहीं आ रहा उसकी सिड भाई से उसकी क्या दुश्मनी है यार मैं सिलेक्ट करके आओ कोई सब कुछ नहीं कोई मुझे अच्छी लग रही 15,000 का पेमेंट किया है थैंक यू सो मच कृतिका पैर छू लूं बड़ा भाई है ना हाँ हाँ पैर छूना चाहिए वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है रक्षाबंधन पे गिफ्ट रक्षाबंधन कितने कौन से महीने में आता है ये दिखा रक्षाबंधन मुझे नहीं पता अगस्त मुझे ठीक है दे देंगे रक्षाबंधन भी चाहिए मेरे बर्थडे पे भी चाहिए मैं भी रक्षाबंधन पे कुछ ना कुछ दे दूंगा मेरे पहले 600 के होगा तो नहीं दूंगा कितना है क्या सर तो देखो मैं भी रक्षाबंधन पे हां चलेगा मैं गिफ्ट दूंगा भाई ओके थैंक यू सो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस ब्लॉग
बहुत ही अमेजिंग 3-4 दिन ये गए दिल्ली में, बहुत सारी चीज़ें हुई, शॉपिंग गए, रेगा के फंक्शन में गए, एंड वॉच पार्टी हुई वहाँ पे, मस्ती हुई रात में, लेट नाइट घूमना फिरना भी हुआ, बहुत ही मज़ा आया। अभी मैं जस्ट आया हूँ घर पे, ड्राइव करके ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, 3.5 घंटे का ड्राइव होता है, सो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सो यार, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फन था, आई होप आप लोगों को व्लॉग में भी उसकी झलक दिख गई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर प्यार देना, बिकॉज इट इज़ द ओनली वे, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे समझ में आता है, पता लगता है कि हाँ, यू आर लविंग इट, यू आर लाइकिंग इट, एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, क्योंकि व्हेन आई स्क्रॉल थ्रू द कमेंट सेक्शन, बहुत ही अच्छा लगता है व्हेन यू लव व्हाट आई ट्राई टू शो यू ऑल, जो हम लोग करते हैं। सो यस, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर, एंड ताकि और लोगों के पास पहुँचे, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर तुम नए हो यहाँ पे इस चैनल पे, इट विल बी अ हेल लॉट ऑफ अ फन जर्नी इन द कमिंग फ्यूचर। सो यस, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, बर्थडे भी आ रही है तुम्हारे भाई की, सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, पता नहीं क्या करेंगे सब लोग, बट या उसका भी ब्लॉग आएगा, सो बी रेडी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय गाइज़।